everyone, welcome back to Evidyarthi.in. This is Varsha. So let's start our next topic जिसका नाम है How Historians Studied Rig Veda. यानी हमारे इतिहासकारों ने ऋग वेदा को कैसे पढ़ा, उसके बारे में क्या क्या जाना. See, आर्कियोलॉजिस्ट हो या फिर हमारे इतिहासकार हो, वो सभी हिस्ट्री के बारे में ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ के पता लगाते हैं. यानी कि उस काल के, उस टाइम पीरियड के बुक्स को पढ़ते हैं और वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के जीवन, लोग कैसे जीवन जी रहे हैं उसका पता लगाते. तो ऋग वेदा वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसके थ्रू हमारे हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ने वैदिक पीरियड के लोगों के बारे में पता लगाया. सो लेट्स स्टार्ट दिस. वैदिक पीरियड के बारे में क्या क्या पता लगा. सो व्हाइल लर्निंग अबाउट पास्ट, हिस्टोरियन एग्जामिन रिटन सोर्सेज. जब भी हमें हमारे पास्ट के बारे में जानना होता तो हिस्टोरियंस क्या करते हैं, रिटन सोर्सेज को एग्जामिन करते हैं, उनको समझते हैं और उनके द्वारा कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. They examined the Rig Veda. उन्होंने ऋग वेदा को भी एग्जामिन किया, यानी कि उनको पढ़ा, उनको जाना, उनको समझा. So a large portion of the psalm in Rig Veda were as exchange and in dialogue form. जो हमारा ऋग वेदा है उसके अंदर उन्होंने ये देखा कि ज्यादातर जो psalms है, यानी कि ज्यादातर जो स्तुतियां हैं, प्रार्थनाएं हैं, वो एक्सचेंज की फॉर्म में है. यानी कि भगवान से कुछ मांगा जा रहा है, they are asking for something. और ये जितनी भी चीजें हैं, जितने भी psalms है हमारे, जो कि स्तुतियां जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं, वो डायलॉग के फॉर्म में है. आपकी किताब में भी एक ऐसा ही डायलॉग फॉर्म है बिटवीन विश्वामित्रा एंड बीस और सतलज रिवर के बीच में. सो इनका आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो इस पूरे डायलॉग को, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ऋग वेदा के अंदर चीजें दी गई है और कैसे ह्यूमन ने जो हमारा नेचर है उसको ह्यूमनिफाई किया, यानी उसको पर्सोनिफाई किया है. राइट वर्ड इज पर्सोनिफाई किया है. सो नदी तो कभी बात नहीं कर सकती, बट स्टिल आप इस डायलॉग में देखोगे दैट दो नदियां बात कर रही है हमारे विश्वामित्र के साथ. तो ऐसे ही बहुत सारे हाइम्स हमारे ऋग वेदा के अंदर आप देखोगे, बट इन ओल्ड वैदिक संस्कृत. आप ओल्ड वैदिक संस्कृत के अंदर ये सारे हाइम्स को पढ़ सकते हो, लेकिन आपके बुक में अभी एक दे रखा है एग्जाम्पल के फॉर्म में. So you can study them, you can read them और एक आइडिया आपको पता लगेगा कि क्या आखिर लिखा गया था इन ऋग वेदा के अंदर. Historians studied these exchanges to arrive at conclusion. हमारे जो historians हैं वो इन exchanges को उन्होंने पढ़ा, समझा, जाना और एक conclusion पे आए, एक निष्कर्ष निकाला कि अच्छा ये चीजें घटी होंगी, ये चीजें, इन चीजों के बारे में बातें हो रही. So it means कि सोसाइटी में इन चीजों की importance थी, ऐसे सोसाइटी काम करती थी. So ये सारी चीजें उन्होंने एक conclusion के रूप में, एक result के रूप में हम तक लिखा. This is all about this topic. I will see you in the next topic. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye-bye.